आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने हर मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भानुप्रतापपुर में किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 लोकसभा सीटों में अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का यह सम्मेलन कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह भरने के लिए आयोजित की गई है। बता दें कि मोदी के भाजपा के 400 पार लोकसभा सीट के स्लोगन को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, लोकसभा प्रदेश संयोजक शिव रतन शर्मा, भाजपा के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे सहित जिले भर के भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मंचस्व अतिथियों ने सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के रीति नीति से प्रभावित होकर दर्जनों महिला एवं पुरुष भाजपा में प्रवेश हुए। आज में कोई न कोई तकलीफ नहीं हुए और हमर मोदी जी आप देखे हो, मोदी जी के गारंटी देत लेत मन संकर धरही बल अनुमान सदहित करही विपत्ति काल कर सतगुरु यहां श्रुति कहीं संत देवी देवता के आशीर्वाद से और हमार मंच में विराजमान बड़े बड़े नेता मन के आशीर्वाद से मोला प्रत्याशी बनाए गई से। अभी प्रत्याशी बनाए के बाद बड़े डोंगर के दंतेश्वरी माई और हमार आंगा देव नरसिंह नाथ, हमार अंतागढ़ के आंगा देव बासना के माई दंतेश्वरी, अभी सब देवी देवता मन के पास जाके मैं आशीर्वाद लेवत हूँ। प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाइए, कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है और उस नैया पर कोई सवार नहीं होना चाहता और लोग भाग रहे हैं। उनके नेता स्वयं कहते हैं अपनी जो परंपरागत सीट है वो बचा नहीं पा रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। एक समय था जब कहते हैं वो कहा करते थे कि अमेठी से कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो कांग्रेस पार्टी से तो वो जीत जाएगा, लेकिन आज क्या स्थिति है, वहाँ पर किस तरीके से किस गति से उनको भगाया जा रहा है, ये देश की जनता ने तय कर दिया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने और उसके आधार पर पूरे भारत का समुचित विकास हो सके। आज पीसीसी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रोल बांड के रूप में भ्रष्टाचार किया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हम कभी उनके निर्देशों का अपमान नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जब कहते हैं उनके विपक्ष में जब विषय आता है तब वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में जाते हैं, अनर्गल बात करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और जहाँ तक इलेक्ट्रोल बांड का बात है तो कांग्रेस पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको क्या मिला इसका इसके ऊपर भी जाना चाहिए। आज देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, ये कांकेर का चुनाव द्वितीय चरण में होना है 26 तारीख को और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 11 प्रत्याशी 2 मार्च को घोषित कर दिया। 2019 का चुनाव हम विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद हम कांकेर लोकसभा जीते थे और अभी तो मोदी की गारंटी में हमने किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है तो निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलेगा और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। 400 पार बीजेपी क्यों करना चाहती? ताकि अपने विचार भूमि, अपने वैचारिक पृष्ठभूमि का हम पूरा काम कर सकें। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 400 पार का लक्ष्य है। महादेव महादेव के नाम का भी दुरुपयोग भूपेश ने किया है, जैसा करा है वैसा उसको भोगना पड़ेगा।